नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओडिशा जनता एक्सप्रेस लाइव हिंदी बुलेटिन में। देश और दुनिया की ताजी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तो शुरू करते लेटेस्ट खबरों से। इतना होने के बावजूद अपने जगह पर अड़ी हुई है सहारा इंडिया परिवार। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नई निवेशकों को कंपनी में लाना और पुराने खातेदार से कलेक्शन करना अब भी जारी है। मार्च महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप को बड़ा झटका दिया। बा और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा ग्रुप के निवेशकों के आवेदनों की जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मैच्योरिटी के बाद भी अपना पैसा नहीं मिला है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सोसाइटीज को किसी भी नए निवेश को स्वीकार करने से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एक छोटी सी सुर्खियों से देखिए, कई शहरों में अपना काम चलाए हुई है सहारा इंडिया कंपनी। कोर्ट ने सेबी से कहा कि जल्द से जांच पूरी कर संबंधित अधिकारियों के पास मामले को भेज दे, ताकि लोगों को पैसा लौटाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। हाई कोर्ट में 100 से अधिक मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा वापस लौटने की उम्मीद अब और बढ़ गई है। पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में जमा लोगों के पैसों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह आदेश पेमेंट को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने सेबी से पूछा कि जितनी भी हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें से कितने पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है, तो सेबी ने बताया कि अब तक करीब 430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जाँच हो गई है और शेष की हो रही है। वहीं सहारा ग्रुप ने भारत के कई राज्यों के जिले में अपने नए निवेशकों को लेना बंद नहीं किया है और साथ ही साथ अपने एजेंट के जरिए पब्लिक से पैसे लेना जारी रखा है। उनमें से एक ओडिशा क्षेत्र के झारसुगुड़ा जिला है। झारसुगुड़ा जिला के ब्रजराजनगर, बेलपहाड़, पंच गाँव तथा लईकेरा में अभी आम पब्लिक से बैंक जमा के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे एक शख्स झारसुगुड़ा पुराना बस्ती का है, जो कि अपने बेटी की शादी के लिए सहारा एक एक पाई जोड़े थे, मगर सहारा इंडिया कंपनी ने इनके साथ क्या किया आप खुद देखिए। हाँ, क्या है आपका अभियोग सहारा इंडिया के पास, बताइए। सहारा इंडिया पास हमारा काफ़ी फंसा हुआ है, जो काफ़ी दिन से निकल नहीं पा रहा अभी तक, और कभी कभी 6 महीना हो गई सदर ठीक हुई थी लड़की की हमारी, बोलती कम दे दिला देंगे पैसा, दिला नहीं पाया अभी तक। क्या प्रतिश्रुति मिला था सहारा इंडिया से आपको? कितना पैसा मिल जाएगा हमें? कौन दिया था? सहारा इंडिया सर एजेंट बोले थे। एजेंट को? और उसके अधिकारी कोई? झा साहब थे। क्या बोले थे झा साहब? बोले पैसा शादी को मैं दिला दूंगा, शादी हमारी मेन नहीं थी, कैसे करना पड़ा हमें कि फिर दिसंबर में शादी देखिए मिलेगा नहीं मिले क्या पता। अच्छा, उसके बाद दिए पैसा? वो नहीं दिया, अभी पैसा नहीं मिला। तो सहारा इंडिया में कुल कितना पैसा है आपका जमा? 5-2 लाख के आसपास है। तो आपको कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है? कुछ कम हुआ है, 70,000 के आसपास। किस तरह मिला वो पैसा? एक बार में कि दो बार में? किस्ते में मिला, 2-3 बार में। कितना कितना मिला? 15-20 ऐसे मिला। और अभी कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप ऑफिस? 6 महीने हो गई सर। ऑफिस खुला हुआ है? ऑफिस बंद है, बंद रहता है, खुलता है, बंद रहता है, खुलता है, ज़्यादा बंद रहता है ज़्यादा। एजेंट का क्या प्रतिक्रिया है? एजेंट बेचारा कर रहा पूरा दिन दिलाने का।